गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारिक आज गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एक नया रेशा पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है लिनन। लिनन वनस्पति जगत से प्राप्त दूसरा प्रमुख रेशा है। पहला प्रमुख रेशा हमने करा कपास यानी कि कॉटन। यह अत्यंत ही सुंदर, आकर्षक, टिकाऊ और मजबूत होता है। इससे कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं और लिनन के रेशे फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। लिनन से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो टिकाऊ और मजबूत होते हैं। लिनन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिनन के बारे में कि ये रेशा कैसे प्राप्त होता है, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है और इसकी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, भौतिक और रासायनिक विशेषताएं और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो प्राचीन काल से ही लिनन से वस्त्र बनाए जाते रहे हैं, इसलिए लिनन वस्त्र का निर्माण कला एक प्राचीन कला है। प्राचीन समय में लिनन को शान और शौकत का प्रतीक माना जाता था। महाराजाओं और शाही घरानों के लोग इससे बने वस्त्रों को आपसी उपहार के रूप में प्रयोग करते थे। रानियों, महारानियों और शाही घराने की स्त्रियों के परिधान लिनन के वस्त्रों में सोने और चांदी से जड़े होते थे। बच्चों, मिस्र देश में भी लिनन से सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। मिस्रवासी इसे शांति, अपनी अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय गुणों और आकर्षण के कारण लिनन का प्रयोग केवल राजा महाराजाओं और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के योग्य ही समझा जाता था। आम जनता इसका प्रयोग नहीं कर सकती थी। और बच्चों, आयरिश लिनन अपने सुंदरता के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आजकल लिनन का उत्पादन ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में भी होता रहा है, लेकिन रशिया लिनन उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। जर्मनी और अर्जेंटीना में भी लिनन का उत्पादन काफी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। लिनन का वस्त्र अपनी अद्वितीय सुंदरता, कोमलता, शीतलता, आकर्षण और श्वेत रंग आदि के कारण बहुत ही सौंदर्यमय लगते हैं। हालांकि इनमें आजकल कई सुंदर प्रिंट्स के भी लिनन प्राप्त किए जा रहे हैं, जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के लिनन के वस्त्र आजकल प्राप्त किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व से भी पाषाण युग से में स्विस लेक के निवासी इसे मछली फंसाने की बंशी और जाल बनाने के लिए प्रयुक्त करते थे। मिस्र देश में भी लिनन से सुंदर वस्त्र बनाए जाते थे। मिस्रवासी इसे शांति और पवित्रता का सूचक मानते थे और इसीलिए इसका प्रयोग वे पूजा घर के पर्दों, चादर, वस्त्र आदि में करते थे। वहां पर लिनन से इतने सुंदर, आकर्षक, बारीक, कोमल और उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते थे जैसा आज तक नहीं बनाए जाते हैं। मिस्र ही नहीं, कई देशों में लिनन को शांति और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है और इसीलिए पुजारी लिनन के वस्त्रों को धारण करते हैं। मिस्र में राजाओं के शव, जिन्हें ममी कहा जाता है, आपको मालूम होगा, MUMMY, को भी लिनन के वस्त्रों में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता था और इसका प्रमाण मिस्र में खोदे गए हजारों वर्ष पुराने वे शव मिले हैं जिनके चारों तरफ लिनन के कोमल वस्त्र लपेटे पाए गए हैं। इसे आप चित्र में भी देख सकते हैं और दूसरे चित्र में भी। ये इजिप्ट की चित्र हैं जहां पर कि हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि लिनन का वस्त्र काम में लिया जाता था। अब हम करेंगे लिनन के वस्त्र की खेती, कि किस प्रकार से लिनन की खेती की जाती है।
खेती को हम इंग्लिश में कल्टीवेशन कहते हैं और कल्टीवेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लिनन के रेशे फ्लैक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें कि आप चित्र में देख रहे हैं। यह पौधा वार्षिक होता है और लिनन की खेती के मुख्यतः दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है बीज को प्राप्त करना और दूसरा होता है रेशे को प्राप्त करना। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हैं फ्लैक्स सीड्स यानी कि लिनन के बीज और ये फ्लैक्स फाइबर्स यानी लिनन का रेशा। पहला हम करेंगे बीज प्राप्त करना। कई देशों में और स्थानों पर तो लिनन की खेती केवल बीज प्राप्त करने के उद्देश्य से ही की जाती है और इसके बीज अत्यंत उपयोगी होते हैं, इन्हें फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और इसके लिए फसल को अधिक पकाया जाता है। इनके बीज से लिंसिड ऑयल, पेंट, वार्निश, पॉलिश, लिनोलियम, चिकने कपड़े, कृत्रिम चमड़े आदि बनाए जाते हैं। तने का कठोर भाग जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कनाडा, भारत, लिथुवानिया आदि देशों में बीज उत्पादन के लिए लिनन की खेती की जाती है और फसल प्राप्त करने के लिए कुछ बीजों को रख लिया जाता है जिनसे फिर से खेती की जाती है। दूसरा बच्चों होते हैं रेशे प्राप्त करना। लिनन के पौधे मुख्यतः दो किस्म के होते हैं, जैसे पिछले चित्र में आपने देखा नीले फूल वाले पौधे आपको दिखाए थे और दूसरे होते हैं सफेद फूल वाले लिनन। नीले फूल वाले लिनन से उत्तम कोटि के अत्यंत सुंदर और बारीक रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि सफेद फूल वाले लिनन से निम्न श्रेणी का खुरदरा, मोटा, रूक्ष लेकिन मजबूत रेशा प्राप्त होता है। अच्छा बच्चों, जैसे अपन ने कपास की खेती करी थी उसी तरह से लिनन की खेती के लिए निम्न चीजें आवश्यक होती हैं। हम पांच चीजों का इसमें डिस्कशन करेंगे। पहला होता है जलवायु। समशीतोष्ण, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है लिनन की खेती के लिए। ये लिनन के नीला फूल आप देख रहे हैं जिसे उत्कृष्ट क्वालिटी के वस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम मिट्टी देखें तो भुरभुरी और गहरी उपजाऊ भूमि आवश्यक होती है। भूमि को अच्छी प्रकार से जोतकर खेती लायक बनाया जाता है और बच्चों साफ और मृदु पानी की लिनन को आवश्यकता होती है। कठोर पानी से लिनन के रेशे और गुण प्रभावित होते हैं। अगर हम बुआई देखें तो फ्लैक्स के बीज की बुआई अच्छी प्रकार से जोते गए जमीन में अप्रैल और मई माह में की जाती है। अगस्त में फसल पककर तैयार हो जाती है। और हाँ, लिनन के पौधे की देखरेख भी अत्यंत आवश्यक है। लिनन के पौधे क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं और इसलिए इनकी देखरेख अत्यंत सावधानी पूर्वक की जाती है। जरा सी लापरवाही या भूल से रेशे के व्यर्थ हो जाने का भय रहता है। लिनन का पौधा लगभग 30 से 40 इंच तक का होता है। जब इसके पौधे 5 से 6 इंच लंबे हो जाते हैं तो इनकी निराई की जाती है, जिसमें कि जो रद्दी घास है उसे निकाल दिया जाता है। इसका पौधा बिल्कुल सीधा होता है और अंत में पतला होता हुआ नुकीला हो जाता है और इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पौधे में शाखाएं न फूटने पाएं। शाखाएं फूटने से रेशा बेकार हो जाता है। रेशों की गुणवत्ता लिनन की किस्म, मिट्टी, जलवायु आदि पर निर्भर करती है। अनुपयुक्त और गर्म मौसम में पतले तने वाला और निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त होता है। अगली कक्षा में हम लिनन के वस्त्र के उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।